विधानसभा में लोग तो अगर 116 विधायक आपके ठीक करके पंजा के निशान पर विधानसभा में बैठते हैं तब आप बात करते तो अच्छा लगता। मध्य प्रदेश में फ्रैक्चर जनादेश मिला था, मध्य प्रदेश हमको ज्यादा मिला, हरदा में कमल पटेल भांजी है। हरदा में कमल पटेल की हार के बाद बवाल देखने को मिल रहा है और पुलिस ने लाठियां भांजी है। और बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस ने लाठी बांधी है। देखिए बता रहे हैं हरदा में कमल पटेल की हार के बाद बवाल देखने को मिला यहाँ पर। बवाल के बाद देखिए किस तरीके से लाठियां भांजी गई, क्योंकि स्थितियां अनियंत्रित हो चुकी थी, आउट ऑफ कंट्रोल, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी है। इस लेवल का बवाल, एक तरफ ढोल लगा रहे, अरे सतीश जी ये चुनाव के बाद तो इस तरह की तस्वीर हम क्यों इस तरीके से देखते हैं? नहीं, बवाल किस बात का? अपने हार पे हार जैसा के कि बाद रहे अगर हार के बाद करना चाहिए, हार के बाद अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का ये कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश का ये चरित्र इतिहास नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हार को गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए, और हार और जीत तो राजनीति में होती ही है, और चुनाव तो एक हारेगा एक जीतेगा, इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। निश्चित रूप से प्रशासन को सख्ती से कंट्रोल इसको करना चाहिए। ठीक है शिवम जी, श्रेय आपने दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सवाल कब तक? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जब तक लोकप्रियता है, जब तक वह पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आज अगर पूरे विश्व में भी कई देश उनके चेहरे को दिखा करके चुनाव लड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा, का प्रधानमंत्री उनको जब बॉस ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हाँ। तो स्वाभाविक तौर पर वह भी अपने जो लोकल ऑडियंस है उसको संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। यूएस के प्रधानमंत्री कई बड़े मंत्री भी जीते हैं चुनाव, कई बड़े मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सब जीते हैं। डिप्टी सीएम की भी क्या नौबत आएगी? देखिए यह तमाम चीजें भी भविष्य के गर्त में है, इस पर पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा, कौन से कार्यकर्ताओं को कौन सी भूमिका का निर्वहन करना है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक खुशी का लम्हा है कि जिस प्रकार से प्रचंड जनादेश वाली सरकार लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे, और स्वाभाविक तौर पर इतने सारे हमारे पास चेहरे हैं जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति को सही तरीके से कर सकते हैं। बीजेपी नया ट्रेंड सेट कर देती है, मध्य प्रदेश में भी क्या डिप्टी सीएम वाला चैलेंज शुरू हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, डिप्टी सीएम लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर स्थिति यह है कि हरदा में मंत्री कमल पटेल हारे हैं, उसके बाद वहां बवाल हो गया, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, पुलिस ने लाठियां बांधकर लोगों को तितर बितर किया, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें सुमित उस वक्त की, जब ये बवाल शुरू हुआ था, जहां पर मंत्री कमल पटेल की हार के बाद बवाल हो गया, चूंकि कुछ एक ऐसी जगह पर जब रिकाउंटिंग की बात की गई, वहां पर जब प्रशासन ने इस बात से इनकार किया तो नारेबाजी शुरू हो गई और फिर पत्थर चलने लगे और फिर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बिल्कुल आशीष, और ये बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि कमल पटेल कृषि मंत्री और हार जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे, नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए, मिठाइयां बांटते हुए, पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, अब जब हार हुई है बवाल होना ही था। देखिए तस्वीरें, कार्यकर्ताओं ने जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत की थी, ठीक है उनकी एक उत्सुकता समझ में आती है, लेकिन वहां पर नेताओं को भी मुझे लगता है सुमित अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रहने की हिदायत देनी चाहिए। चुनाव में हार जीत की बात सभी स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन यहां मौके पर स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। ये शाम की तस्वीरें जब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वहां पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके आसपास देखिए कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हालांकि कौन कार्यकर्ता किस पार्टी का भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हार के बाद सुमित स्थिति यहां पर काबू से बाहर होती नजर आई, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस लाठियां भांजती है तो कई लोग घायल भी हुए हैं, ये देखिए किस तरीके से पुलिस ने लाठियां भांजी है, क्योंकि कार्यकर्ता उग्र हो गए थे, कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज वहां पर करना पड़ा और कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, इस बीच सुमित रीवा से राजेंद्र शुक्ला की जीत की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है, रीवा से राजेंद्र शुक्ला की जीत हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जीत की खबरें भी बीजेपी खेमे से आ रही हैं। रीवा से मंत्री राजेंद्र शुक्ला की यहां पर जीत हुई है, कई मंत्री हारे हैं आशीष, कई मंत्री जीतते हुए बिल्कुल, और ये जीते हुए मंत्रियों में राजेंद्र शुक्ला है मुझे याद आता है, क्योंकि रीवा वो क्षेत्र है हाँ। सुमित जहां पर की कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि मंत्री होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, और ऐसी स्थिति में यहां से राजेंद्र शुक्ला की जीत एक बड़ा करारा जवाब है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जो आंकड़े हैं वो और स्थिति स्पष्ट हो रही है। संजय राणा हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार मौजूद है। संजय जी, राजनीति के बारे में तो जितनी बात की जाए, चर्चा की जाए, कम ही